उसके लिए आरक्षित है। आप सोचिए कि हम तो आज भी उसको अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन यही जेएनयू जैसे संस्थान या दुनिया के देश के और तमाम संस्थान जहां पर ये वामपंथी विचार के लोग रहते हैं या वो इस तरह के विचार को फैला रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं आईओसी यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हिस्सा है जिसके लिए हम कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे भारत के कण कण के अंदर विद्यमान है। चौधरी साहब, हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप भी प्रोफेसर हैं सर, आप भी वहां पर पढ़ाते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। सनी दीवान जी, मैं आता हूं प्रेम जी आपके पास। सनी दीवान जी, भारतीय संविधान और जम्मू एंड कश्मीर की जो अभी बात की 24 सीटों की प्रोफेसर साहब ने, उसके बाद भी अगर ऐसी सोच उठती है तो हम इसे बहुत भावनात्मक तौर पर लेते हैं और हर देशवासी को लेना चाहिए। यह हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सनी जी, कैसे ऐसी बात कोई लिख सकता है, बोल सकता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? सईद भाई, पहले तो आपको जेएनयू की राम राम। आपकी आवाज बहुत मीठी है, तो अभी इसमें थोड़ा गुस्सा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज बेहतर रहेगा। मैं एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ, एक नज्म के द्वारा, कि नफस नफस कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, जहां किसान के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बापू से नफरत प्रेम नथु राम से, जहां खौफ नाक राज हो, जहां भुखमरी का तांडव रोज बेशुमार हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमें हमारा हक जनाब चाहिए, तो दिन के वादों का ना और एतबार कर, हर टूटी हिसाब चाहिए, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जो ये कश्मीर का मुद्दा जेएनयू के ऊपर भी लाया गया, पहली बात, इसमें जेएनयू के स्टूडेंट का कोई रोल नहीं। जो घटना घटी ही नहीं है उस पर अब आप क्यों सवाल करना चाहते हैं, और जो घटना घट रही है, फिलहाल मैं जेएनयू की बताता हूं, 5 दिन से जेएनयू के सफाई कर्मियों जो है हड़ताल पर बैठे हैं, होटलों के अंदर कूड़े का अंबार लगा पड़ा है, क्योंकि यहां के वाइस चांसलर ने पिछले एक साल से उनकी सैलरी को बढ़ाया नहीं है। सुनिए, ये जेएनयू का मुद्दा है। एक सेकंड, माफी के साथ आपको रो रहा हूं, माफी के साथ, नहीं नहीं सर, एक सेकंड प्रोफेसर चौधरी, एक सेकंड, देखिए कोई नहीं रोकेगा आपको, जैसे प्रोफेसर चौधरी ने बोला आपको भी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम आज एक प्रश्न लेकर यहां पर हैं, समय कम होता है धीमान जी, और वो प्रश्न ये है कि क्या वो वेबिनार हो रहा था, उसका जो पत्र छपा गया उसमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिखा गया, अगर नहीं तो आप उसे कह दीजिए, और अगर हाँ तो क्यों, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए? बाकी तो देखिए, हमारा लोकतंत्र हमें स्वतंत्रता देता है, किसान बैठे हुए हैं ना 11 महीने से, है प्लीज जी अपनी बात पूरी कीजिए।